मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने कैबिनेट के आठवें तथा संभवतः अंतिम विस्तार में ब्राह्मण कार्ड खेला है। अखिलेश के मंत्रिमंडल में दो बर्खास्त ब्राह्मण मंत्री प्रोफेसर शिवकांत ओझा के साथ मनोज कुमार पांडे तथा गायत्री प्रसाद प्रजापति को शामिल किया गया। इसके साथ ही 6 मंत्रियों का प्रमोशन भी किया गया। मंत्रिमंडल में नए मंत्रियों की जगह बराबर रखने को सोमवार को लक्ष्मीकांत निषाद उर्फ पप्पू निषाद को बर्खास्त कर दिया गया। वे खाद्य रसद राज्य मंत्री थे। कैबिनेट मंत्री के रूप में बर्खास्त गायत्री प्रसाद प्रजापति, शिवकांत ओझा, मनोज कुमार पांडे ने शपथ ली। इन तीनों की मंत्रिमंडल में वापसी हो गई है। वहीं जियाउद्दीन पहली बार मंत्री बनेंगे, जबकि हाजी रियाजुद्दीन, अभिषेक मिश्र, नरेंद्र वर्मा, शंखलाल मांझी व यासर शाह का प्रमोशन हो गया। आठवें फेरबदल में 4 नए मंत्रियों ने शपथ ली, जबकि 6 को प्रमोशन मिला। माननीय नेताजी के आशीर्वाद और माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय कैबिनेट मंत्री शिवपाल जी के आशीर्वाद से जो भी उन्होंने निर्णय लिया वो उनके निर्णय का पे खरे उतरने की हम कोशिश करेंगे और प्रदेश के लिए जितना कर सकता हूँ वो करूँगा। आए जिन लोगों ने साजिश किया था उनका मुकाला हो गया, ऐसा किसी का नहीं। चला 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 फिर।